लाभदायक हो आपका निवेश, मैं हूं देवेश। दोस्तों, रक्षा हथियारों के लिए भारत रूस पर निर्भर है। अमेरिका चाहता है कि भारत की रूस पर यह निर्भरता खत्म हो, इसलिए अमेरिका लेकर आया है नया प्रस्ताव। अमेरिका कह रहा है कि भारत को दी जाएगी $500 मिलियन की फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग एड। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि यदि भारत को भविष्य में अमेरिका से कोई हथियार खरीदने हैं, तो उस हथियार की खरीद के लिए अमेरिका $500 मिलियन की फाइनेंसिंग लोन मुहैया करवा सकता है। यदि अमेरिका यह $500 मिलियन की फाइनेंसिंग भारत को मुहैया करवा देता है, तो भारत की जो हैसियत है वह इजराइल और इजिप्ट के बराबर पहुंच जाएगी अमेरिका की नजर में। अमेरिका भारत को $500 मिलियन का लोन दे रहा है, यह बात समझ में आती है। लेकिन अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में हमने अमेरिका अकेले से खरीदे हैं $4 बिलियन के हथियार। इसलिए $500 मिलियन का जो फाइनेंसिंग एड अमेरिका मुहैया करवा रहा है, वह ऊंट के मुंह में जीरा है, लॉलीपॉप है, हाथी के दांत हैं, यह सिर्फ दिखाने के काम में आएंगे, खाने के काम में यह नहीं आ सकते। जिसके बदले अमेरिका की अपेक्षा है कि भारत अमेरिका से हथियार और अधिक खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, हमें हथियार खरीदने ही नहीं है किसी से, ना हमें अमेरिका से खरीदने हैं, ना हमें रूस से खरीदने हैं। यहाँ सवाल है ज्वाइंट प्रोडक्शन का। अमेरिका जब इसराइल के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकता है, तो भारत में क्या बुराई है? अमेरिकन हथियार हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, सब असेंबलीज चाहिए, उनका प्रोडक्शन आप भारत में करवाइए। भारत को आप अपनी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाइए। आपको हथियारों की, मिसाइलों की असेंबली करनी है, अमेरिका करता रहे, लेकिन कम से कम आप हमें अपना पार्टनर समझिए, खरीदार नहीं। अमेरिका ने कुछ सालों पहले भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया। यह चीज कागजों पर है, आप उसे जमीन पर उतारिए। अमेरिका हथियार बेचता रहेगा, भारत खरीदता रहेगा। यह सॉल्यूशन भविष्य में काम नहीं करेगा। आज हम हथियारों के लिए रूस पर निर्भर हैं, कल हम हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाएंगे। मतलब हम आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हमारी निर्भरता शिफ्ट होगी रूस से अमेरिका की तरफ, हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। इसलिए यह जो $500 मिलियन की फाइनेंसिंग एड है, वह अमेरिका दे पाकिस्तान जैसे देशों को, वहां यह काम में आएगी। जब भारत खुद अमेरिका से $4 बिलियन के हथियार खरीद सकता है पिछले 10 सालों में, तो आप हमें $500 मिलियन की फाइनेंसिंग एड देकर कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? इसलिए दोस्तों, अमेरिकन प्रस्ताव भले ही देखने में अच्छा लगता है, सांकेतिक रूप से इसकी वैल्यू बहुत अधिक है, लेकिन इसका जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमारे दृष्टिकोण में यह प्रस्ताव सिर्फ देखने लायक है, अपनाने लायक नहीं। अब दोस्तों, आप जरा गौर फरमाएं, रक्षा क्षेत्र में आप सभी ने आत्मनिर्भरता का समर्थन किया है, लेकिन निवेश के मामले में आप देखिए, पहले पेटीएम, फिर जोमेटो और अब LIC, इन सभी IPO में पब्लिक को ट्रैप किया गया। 20 फरवरी 2022 को, कुछ महीनों पहले, हमने डिस्कस किया था LIC में पब्लिक को अगले 5 सालों के लिए ट्रैप किया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है, TV, YouTube, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, ब्रोकर, सभी ने पब्लिक को फांसा है LIC के IPO में। कहने का मतलब यह है, निर्भरता आपके शोषण को जन्म देगी। आप शोषण से बच नहीं सकते यदि आप निर्भर रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बन जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे, उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।